सकता है आज के बाद में जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पुलिस वाले ही मुझे कि ये भड़का रहा है और ये देश के प्रति खतरा है, यूएपीए लगा के मुझे बंद कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करने दीजिए, इस बात की भी चिंता नहीं करना, मैं या मेरे जैसे कितने भी लोग मर जाएं, कुछ चिंता नहीं करना, समाज जिंदा रहना चाहिए, हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू जिंदा रहना चाहिए, हमारी बच्चे जिंदा रहने चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी का स्वाभिमान बचना चाहिए, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं है। अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार होता, शासन प्रशासन में, पुलिस में, या कोई समाज के लोग या गुंडे बदमाश वो अगर अत्याचार करते हैं तो व्यक्ति कहां जाएगा? जब तक तुम मरना नहीं सीखोगे तब तक तुम जी नहीं पाओगे, केवल एक इसका इलाज है। नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, नजर वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूं साहब, मुझे हर शख्स में इंसान दिखता है। इसी चीज को देखते हुए आज हम आ पहुंचे हैं एडवोकेट भानु प्रताप जी के पास, और राष्ट्र जनहित संघर्ष पार्टी के प्रमुख भी हैं, तो इनसे हम जानने की आज कोशिश करते रहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है जो दलित पिछड़ा वर्ग जो लोग हैं उनके ऊपर जिस तरीके से प्रताड़ित करने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज फिर समाज से कहता हूँ, सरकारों से नहीं कहता, सरकारें बेकार हैं, नपुंसक लोग हैं, बेकार लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अत्याचार वो कर रहे हैं, सरकारें ही अत्याचार कर रही हैं और अदालतें मूक दर्शक बनी हुई हैं, उन अत्याचारों को बढ़ाने में उनका योगदान है, उनको कम करने में उनका कोई हाथ नहीं। किसी भी तरह से जब आज आधुनिक युग में हम पहुंच गए, 21वीं सदी में पहुंच गए, जो अत्याचार कम होने चाहिए थे, अगर मैं ये भी कहूं कि रुकने नहीं तो कम से कम तो होने चाहिए थे, वो कम होने की बजाय लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये दिन प्रतिदिन ये जो सारा सब कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, विशेषकर जो योगी की सरकार है, इस योगी की सरकार में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, विशेषकर उस जाति के लोग जिससे योगी हैं, और विशेषकर दूसरे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने तांडव मचा रखा है, लोगों के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। जौनपुर की केवल यही घटना नहीं है, अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही वहां पे यादवों को पीटा गया, मल्लाहों को पीटा गया, ब्राह्मण समाज के लोगों से टकराव हुआ, दोनों तरफ से एफआईआर हुई, और आप देखिए कि जो ब्राह्मण हैं उनके खिलाफ एफआईआर तो हुई है लेकिन गिरफ्तार नहीं किए गए, बट जो मल्लाह हैं चार उनमें से और 5 यादव समाज के लोग अरेस्ट करके जेल में डाल दिए गए हैं। तो ये जो सिलसिला है लगातार चल रहा है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा उस समाज से, जिस समाज पर ये अत्याचार हो रहे हैं, कब तक वो समाज इन अत्याचारों को झेलता रहेगा? सरकार की अगर आस में बैठा है कि सरकार तुम्हें बचा लेगी तो भूल जाओ, कोई सरकार बचाने वाले नहीं है। जिन्हें तुम अपना नेता मानते हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, तुम्हारी किसी पार्टी के जो है नेता, वो तुम्हें बचा लेंगे? बिल्कुल नहीं बचाएंगे। इतिहास देख लो, उनकी शासनकाल देख लो, लगातार तुम पे अत्याचार होते रहे हैं। तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो केवल तुम बचा सकते हो अपने आप को, और वो तभी संभव है कि जब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जब तक तुम मरना नहीं सीखोगे तब तक तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए मैं समाज से मेरा कहना है कि इन सारे अन्याय और अत्याचारों को देखते हुए आज नहीं, एक दिन, अभी एक और वीडियो जो आप ये बता रहे हैं, एक और वीडियो मैंने देखा है, वो भी गरीब समाज की ही बच्ची लड़की होगी, जो उसने किसी सवर्ण समाज के जो कुएं से पानी ले लिया और उसको मारा गया, ये वीडियो आप देख रहे हैं लगातार, और सब पूरा समाज वहीं खड़ा है और सबके बीच में मारा जा रहा है, अपनी बहन बेटी को नहीं मचा सकते, पूरे गांव के बीच में पिट रहे हैं, और 3 लोगों का मुंह काला करके जो है इसी तरह से पूरे गांव में घुमाया गया। तो ये अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, इन्हें कोई नहीं रुकेगा, इसका केवल एक ही है, केवल एक इसका इलाज है। मैं मानता हूं कि एक कानून का व्यक्ति होने के नाते, कानून का जानकार होने के नाते मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, पर मैं इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं कानून जानता हूं, मैं फौजदारी का वकील हूं, इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि सरकारें बिल्कुल नपुंसक हो चुकी हैं, सरकारें पक्षपाती हो चुकी हैं, वो नहीं चाहती कि ये अत्याचार रुके, वो इन अत्याचारों को बढ़ाना चाहती हैं और लोगों को गुलाम बना के पुरानी सदी की तरह ही रखना चाहती हैं। इसलिए अब अगर सम्मान से जीना है, अब अगर स्वाभिमान से जीना है,
तो अपनी रक्षा खुद करना ही सीखना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं। सवाल ये है कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, जितने भी उनके जो खुफिया एजेंसी है, इतनी भारी तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, एक दूसरे समुदाय के लोगों पे हमला कर देते हैं, आखिर उनकी खुफिया एजेंसी चाहे इतने लोग बता क्यों नहीं पाते? नहीं देखिए, खुफिया एजेंसी बता भी पाए, खुफिया एजेंसी को जानकारी हो तो, लेकिन खुफिया एजेंसी वो प्रशासन में बैठे हुए लोग कौन है? पुलिस में, प्रशासन में बैठे कौन लोग हैं? एक एक मानसिकता के लोग बैठे हैं, एक जाति विशेष के लोग बैठे हैं। अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पूरे प्रशासन में जो है दो ही समाज के लोग बैठे हैं, या तो जो है वो जिस समाज से जो है मुख्यमंत्री आते हैं योगी, उस समाज के लोग हैं, और या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, दो ही लोग हैं, या यूं कहूं कि ठाकुर और ब्राह्मण समाज के दो ही लोग हैं, इन्हों का ही वर्चस्व पूरे शासन में, प्रशासन में, पुलिस व्यवस्था में, ये जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होने देते हैं। और यही नहीं, आपने एक उदाहरण केवल यही नहीं बताया, उदाहरण तो एक इस तरह का भी है कि जो कुर्मी समाज के लोगों को मारा गया है प्रतापगढ़ में, और पुलिस जो आई उसने, पुलिस ने घर में घुस के मारा, औरतों के साथ केवल बलात्कार ही नहीं किया, बाकी सारी बदतमीजी की। तो जब ये हालात हो रहे हैं तो क्या माना जाएगा कि सरकार करा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है? अगर सरकार नहीं भी करा रही तो सरकार ने आंखें मूंदी हुई है कि भैया तुम्हें जो करना हो करो, हम तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं करेंगे, तो यह भी एक तरह का कराना ही है। भाई आप किस लिए बैठे हैं सरकार में? किस लिए आपने वोट मांगी? किस लिए आप जो नैतिकता का और हर तरह का दावा करते हैं, किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप, कैसी अच्छी सरकार की बात करते हैं, किस तरह के एनकाउंटर की आप बात करते हैं कि पुलिस आपकी उसकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, या तो पुलिस उसमें शामिल है या पुलिस उनको पूरी तरह से संरक्षण दे रही है, FIR भी नहीं करती है उन लोगों के खिलाफ, और कर भी देती है तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो क्या माना जाए कि सरकार का पूरा श्रेय है इस मामले में कि तुम्हें जो गुंडागर्दी करनी है, तुम्हें जो तांडव मचाना है, तुम्हें जो बलात्कार करने हैं, हत्या करने हैं, लूट करनी है, घर जलाने हैं, जो करना है करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम आराम से बैठे हैं। तो देश में, ये प्रदेश में उस गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है जिसको रोकने के लिए सरकार बड़ी अपनी जो तारीफ करती है और बड़ा प्रचार करती है। क्या यही शासन है? ये शासन अगर है तो कल माना अगर किसी दूसरे का शासन आया और फिर यही प्रतिक्रिया हुई तब आप क्या करेंगे? तो क्या प्रदेश में यही सब कुछ चलता रहना चाहिए? आज तुम आए तो तुम मारोगे, कल वो आया तो वो मारोगे, परसों तीसरा आया तो वो मारोगे, यही करना चाहते हो? या बेहतर यह होगा कि सारी गंदगी को, इस सारी गुंडागर्दी को रोक के पूरी तरह से कानून का राज स्थापित किया जाए, जो भी गुनहगार हो, जो भी दोषी हो, बिना जाति धर्म और रिश्तेदारी और संगठन के या पार्टी के भेदभाव के, उनको जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। पूरे सबूत उनके खिलाफ जो इकट्ठे होने चाहिए जो उन्होंने किए हैं, निष्पक्ष न्याय होके दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन सर सवाल यह भी उठ रहा है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सरकार कहीं ना कहीं सुनने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में आप एक वकील हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आपको सारे नियम कानून पता है, आप इस समाज के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना कैसे आखिर में बचाव कर सकते हैं आप, क्या इस समाज को? देखिए मैं बहुत बहुत स्पष्ट रूप से एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं, इस देश में अगर कहीं किसी के खिलाफ कोई अन्याय अत्याचार होता, शासन प्रशासन में, पुलिस में, या कोई समाज के लोग या गुंडे बदमाश वो अगर अत्याचार करते हैं तो व्यक्ति कहां जाएगा? पुलिस में जाएगा, पुलिस सुनने को तैयार नहीं, फिर कहां जाएगा? अदालत में। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में अदालत भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जो संविधान की रक्षक है, जो इस देश में जहां भी गड़बड़ी हो रही है, जिसको पावर है पूरी सुमोटो एक्शन लेके उस गड़बड़ी को दूर कर सके, उस गुंडागर्दी को रोक सके, शासन प्रशासन को, सरकारों को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी है उनको इंस्ट्रक्शन दे सके, रुकवा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रही है आप सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट आज की तारीख में सरकार के इशारों पर, ऐसा लग रहा है कि सरकार के इशारों पर सारे काम कर रही है, क्योंकि जितने भी फैसले आ रहे हैं वो सारे फैसले उसी बात को पुष्ट करते चले जा रहे हैं। तो जब अदालत नहीं है आपके साथ, जब आपके साथ पुलिस प्रशासन नहीं है, जब आपके साथ सरकार नहीं है, जब आपके सारे नेता बिलों में घुस गए हैं, जब आपके MLA MP मंत्री
सब ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला मोड़ लिया है, तब आप क्या करेंगे? तो मैं तो यही कहता हूं कि तुम मर तो वैसे ही रहे हो, जिंदा नहीं हो तुम। अगर तुम समझ रहे हो कि तुम जिंदा हो, नहीं, तुम जिंदा नहीं हो, मर चुके हो तुम। और तुम मर ही रहे हो तो क्यों ना फिर लड़कर मरो, संघर्ष करके मरो। इससे ज्यादा और क्या होगा तुम्हारा? इस जिंदा लाश लेकर कब तक घूमते रहोगे, कब तक इन्हें ढोते रहोगे? लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आज इतने मर रहे हैं, और मर जाएंगे 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? दलित समाज की आबादी 40 करोड़ के लगभग, 35 से 40 करोड़ के लगभग आबादी है, और बैकवर्ड को भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 90 करोड़ के लगभग आबादी है। 90 करोड़ की आबादी में से अगर 10-20 लाख लोग मर भी जाते हैं समाज को जिंदा करने के लिए, उसके स्वाभिमान को बचाने के लिए, उसकी उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है आज के बाद में जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, पुलिस वाले ही मुझे कि ये भड़का रहा है और ये देश के प्रति खतरा है, यूएपीए लगा के मुझे बंद कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंद करने दीजिए, इस बात की भी चिंता नहीं करना। मैं या मेरे जैसे कितने भी लोग मर जाएं, कुछ चिंता नहीं करना। समाज जिंदा रहना चाहिए, हमारी बहन बेटी की इज्जत आबरू जिंदा रहना चाहिए, हमारी बच्चे जिंदा रहने चाहिए, हमारी आने वाली पीढ़ी का स्वाभिमान बचना चाहिए, उसकी जिंदगी बचनी चाहिए। इसके लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना इसके कुछ नहीं है। ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, पूरा सवर्ण समाज भी इसमें शामिल नहीं है। सवर्ण समाज में कई लोग इतने अच्छे हैं, इतने बेहतर हैं कि जो इस गंदगी के खिलाफ खुद भी लड़ रहे हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन जो चंद लोग हैं जिनकी सिर्फ घूम गए हैं, जिन जो सिर्फ फिरे लोग हैं और जो गुंडागर्दी को ही अपना धर्म समझते हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। अगर सारा समाज इकट्ठा होकर इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, कोई सरकार कुछ नहीं कर सकेगी, कोई गुंडा कुछ नहीं कर सकेगा। और बिना बलिदान के, बिना किसी तरह की जो है आहुति दिए, कुछ मिलता नहीं है। साथियों, हम में से कुछ को तो आहुति देनी ही पड़ेगी। मैं तो यही कहूंगा, बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझो, अपने स्वाभिमान को समझो। उस स्वाभिमान को जगाने के लिए जीवन भर उन्होंने काम किया, इसलिए उस चीज को समझकर संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, डटकर मुकाबला करो और जीना सीखो। और जीने के लिए मरना सीखो। मरना जिस दिन सीख जाओगे, उस दिन जिंदा रह पाओगे, उस दिन सीख जाओगे, जिंदा रहोगे। यही मेरा संदेश। तो जैसा कि आपने भानु प्रताप जी को सुना और समझा, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो दलित और पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता है। और इसी के साथ में हम बताना चाहेंगे कि उसका एक बड़ा एग्जांपल सामने अभी भानु प्रताप जी ने बताया और समझाया भी आपको, कि अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको डट करके मुकाबला करना चाहिए। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा DS4 न्यूज़। धन्यवाद।